कछार के विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रंगों का परिचय। तो रंगों का परिचय में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, साथ में आपको भी पढ़ा ये रंगों का परिचय कराया जा चुका है। तो आप रंग में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन सेम वही रंगों का परिचय जो 7 में है वही 8 में है। तो रंगों के परिचय में मुख्य रंग और प्राथमिक रंग और आदर्श रंग। तो मुख्य रंग में लाल पीला नीला हरा, लाल पीला नीला, और प्राथमिक रंग में लाल पीला नीला हरा। आदर्श रंग में जो रंग आते हैं उसमें लाल पीला नीला हरा बैगनी नारंगी, बैगनी और नारंगी ये आदर्श रंग में आते हैं। तो आपने देखा मुख्य रंग, प्राथमिक रंग और आदर्श रंग। मुख्य रंग, प्राथमिक रंग, आदर्श रंग। तो आदर्श रंग में दो रंग पड़ गए, बैंगनी और नारंगी, बैंगनी और नारंगी। बैंगनी और नारंगी, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला हरा, ये तो 4 जो है प्राथमिक के ही थे। तो इसमें आदर्श रंग में दो रंग और बढ़ गए, दो कलर और बढ़ गए, वो कौन से? बैगनी और नारंगी, बैगनी और नारंगी। तो इस तरह से आपके हो गए मुख्य रंग, प्राथमिक रंग, आदर्श रंग। फिर से आप दोहराएं, मुख्य रंग में लाल पीला नीला और प्राथमिक रंग में लाल पीला नीला हरा और आदर्श रंग में लाल पीला नीला हरा बैंगनी और नारंगी। तो इस तरह से मुख्य रंग 3, प्राथमिक में 4, आदर्श में 6, आदर्श में 6 रंग हो गए। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर चित्र दिया गया है, तमाम कलर बनाए जा सकते हैं कलर के सहयोग से मिला करके। दो कलर रंगों को मिलाने से एक तीसरा कलर जरूर तैयार हो जाता है, वो चाहे आप मिलाते जाएं वो कलर तैयार होता चला जाएगा। तो पीला और नारंगी, लाल बैंगनी, पीला नारंगी लाल बैंगनी आप देख रहे हैं, एक चक्र दिया गया है, आसमानी नीला हरा और थानी। तो इस तरह से आप इसको देख करके अपना परिचय कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद फिर आपका है विरोधी रंग संगति। विरोधी रंग संगति में 3 कलर हैं, काला सफेद और स्लेटी, मतलब भूरा, स्लेटी का मतलब भूरा कलर। तो अनुकूल सहयोगी रंग संगति में जो दिए गए कलर हैं उनको आप ध्यान से देख लें। और मध्यवर्ती रंग संगति 4 हैं और 1 रंग संगति ये आप देख लीजिए, चित्र में आप देख लेंगे, अपनी किताब में देख लेंगे। इस तरह से आप रंगों को समझ लेंगे, रंगों को समझ लेंगे। और कलर तो मुख्य 3 ही होते हैं, कलर तो मुख्य 3 ही होते हैं। और
उन्हीं से कलर बनते हैं और सभी मुख्य प्राथमिक आदर्श, मुख्य प्राथमिक आदर्श। हम एक बार फिर दोहराएंगे, मुख्य रंग में नीला पीला, नीला लाल नीला पीला, और प्राथमिक में, प्राथमिक रंग में लाल पीला नीला हरा, आदर्श रंग में बैंगनी और नारंगी वही बढ़ जाते हैं, यानी कि लाल पीला नीला हरा बैंगनी और नारंगी। तो इस तरह से मुख्य प्राथमिक और आदर्श रंग, विरोधी रंग है, विरोधी रंगों की संगत में आप नीचे अन्य कलरों को देख लेंगे। जैसे आप कलर में लाल और पीला मिला देंगे तो नारंगी बन जाएगा, लाल और पीला, लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा, हरा और धानी, हरा और पीला मिलाएंगे तो धानी बन जाएगा। और इसी तरह से कलर को मिला करके आप कलर, दूसरा कलर बना सकते हैं। बस आज इतना ही।